हेलो फ्रेंड, वेलकम टू YKP ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि लाइन L इज बाइसेक्टर एंगल। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। एंगल A का ये जो L है वो बाइसेक्टर है, मतलब ये दो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम इसको लेट कर सकते हैं 1 एंड एंगल 2, क्योंकि क्या L बाइसेक्टर है और ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं एंगल क्यू ए बी को और बी ए पी को। और क्या कह रहा है कि एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन L और बी कोई सा पॉइंट है जो कि बी पी और बी क्यू पे, ठीक है। और वो क्या है, परपेंडिकुलर है बी से, मतलब BQ और BP जो है परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री यहाँ पे हो रहे हैं, एंगल बना रहे हैं ऑफ एंगल A। सो डैट हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल जो हमारा ट्रायंगल है ABPB, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट करना है हमें AQB के कॉन्ग्रेंट है। और इसी तरह सेकेंड क्या प्रूफ करना है कि जो BP है वो इक्वल है BQ के, या फिर B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल ए। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एक गिवन तो ये है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि L इज अ बाइसेक्टर हम लिख सकते हैं L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, क्योंकि L क्या कर रहा है, बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर कोई किसी एंगल को बीच से डिवाइड करता है वो इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो दोनों ही एंगल हमारे इक्वल होते हैं। ये तो हमारा एक गिवन हो गया। और दूसरा क्या गिवन है हमारे पास, एंगल जो P है वो इक्वल है एंगल Q के, क्योंकि ईच दोनों ही हमारे 90 के हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, ये हमारे क्या है, ईच 90। ओके, ये तो हमारे पास गिवन थे। अब हम टू प्रूफ में हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें प्रूफ करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AQB के, यह हमें फर्स्ट प्रूफ करना है। और सेकंड क्या है कि BP इक्वल है BQ के। जब ट्रायंगल प्रूफ हो जाते हैं तो उनके जो साइड होते हैं वो भी इक्वल और एंगल भी इक्वल होते हैं बाय CPCT। तो सबसे पहले अब हम प्रूफ करते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास एंगल ट्रायंगल APB क्या है, ट्रायंगल APB ये वाला ट्रायंगल है और ट्रायंगल AQB और एक AQB ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल है। तो हमारे पास गिवन क्या है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमारे पास गिवन था। सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, जो एंगल P है वो इक्वल है एंगल Q के, ये भी हमारे पास गिवन है। एंड थर्ड हमारे पास क्या है, AB दोनों में ही कॉमन है। तो हम क्या लिख सकते हैं, AB इक्वल है AB के। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास कॉमन है, दोनों में ही आ रहा है तो इसलिए ये कॉमन है। इस तरह अगर तीन चीज़ें अगर इक्वल हैं तो हमारा जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रेंट होता है। देयरफॉर, ये तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, देयरफॉर ट्रायंगल APB कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल AQB बाय AAS एंगल एंगल साइड से। तो हैंस हम कह सकते हैं कि
बी पी इक्वल है बी क्यू के बाय सी पी सी टी से ये भी इक्वल हो गया। इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।